जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रबी की फसल के बाद और खरीफ की फसल के पहले गर्मी में बोई जाने वाली फसलों की बुआई का सरकारी आंकड़ा जारी हो गया है। इसमें कुल मिलाकर गर्मी की फसलों का रकबा करीब 5.1% बढ़ा है। हालांकि धान के साथ मूंगफली का रकबा कम हुआ है। तिल्ली की बुआई 6% से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन मूंगफली की बुआई गर्मी में करीब 8% तक घट गई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले खरीफ के मौसम में भी मूंगफली की बुआई कमजोर ही रहेगी। दरअसल पिछले साल मौसम प्रतिकूल होने से किसानों को नुकसान झेलना पड़ा था, जिस कारण इस बार किसान मूंगफली के बजाय कपास और सोयाबीन की ओर अपना रुख कर सकते हैं। इस बार किसानों ने कपास और सोयाबीन के भाव ऊंचे देखे हैं। आने वाले सीजन में पिछले साल की तुलना में इस बार मूंगफली की बुआई में 20% तक की कमी आ सकती है। जानकारों का कहना है कि किसानों को मूंगफली की बुआई के समय बारिश की स्थिति और बाद में फसल पर उर्वरकों पर मोटा खर्च करना पड़ता है। किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने समर्थन मूल्य 20 किलो 1110 रुपए की घोषणा की थी और बाजार में किसानों को 1175 से 1200 रुपए तक के भाव क्वालिटी अनुसार मिल रहे हैं। जानकार बताते हैं कि इस बार सौराष्ट्र में कपास के भाव ऊंचे होने से सफेद सोने की ओर किसानों का आकर्षण बढ़ रहा है, जिससे मूंगफली की बुआई में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। इस वजह से गुजरात के प्लांटों द्वारा मूंगफली तेल की बिक्री कम दामों पर नहीं किए जाने से इंदौर में इसकी आवक घट गई है, जिससे मूंगफली तेल के दाम में करीब 50 रुपये प्रति 10 किलो उछल गए हैं। इंदौर में मूंगफली तेल इंदौर बढ़कर 1630 से 1650 रुपये किलो पर प्रति 10 किलो पर पहुंच गया है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।